वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्टेप टाइम के बारे में। स्टेप टाइम क्या होता है और इसकी सेटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो अभी जैसा कि हम स्विंग स्टेटर 2.5 बैचिंग प्लांट पे MCI 550 के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो स्टेप टाइम है तो उसके लिए हमें सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर सेटिंग पर वन क्लिक करना है तो ये सेटिंग खुल जाएगा और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा स्टेप टाइम। तो स्टेप टाइम, और यदि आप प्लांट चलाते हैं आपको जानकारी है इसके बारे में तो आप यहाँ पे आइए, नहीं तो आप यदि सीख रहे हैं तो इस चीज़ को ना कीजिए। या कोई आपको जानकारी नहीं तो आपसे और कोई सेटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो सॉफ्टवेयर करप्ट भी हो सकता है। तो आपको सही जानकारी जब हो तो आप यहाँ पर आइए। और एग्रीगेट पे जो है स्टेप टाइम के बारे में बात करेंगे पहले एग्रीगेट का। और यहाँ पे मिलते हैं एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, एडमिक्चर, सिलिका, जितने चलते हैं सब पे स्टेप टाइम होता है। एग्रीगेट का बात करेंगे तो एग्रीगेट का एक नंबर पे 2 सेकंड डला हुआ है, तो ये 2 सेकंड क्या है और कैसे काम करेगा। तो मान लीजिए कि एग्रीगेट वन हमको 500 kg ऑटो में ले रहा है प्लांट में, तो 500 kg लिया, तब एग्रीगेट 2 नंबर गेट तो उसके बाद ओपन होगा, लेकिन कितना देर बाद ओपन होगा इसी के लिए स्टेप टाइम है। वो आप उसको इसमें जैसे दिखा रहा लिमिट है 0 से 6 सेकेंड, तो 0 से 6 सेकेंड है, तो आप जितना पे सही प्लांट चल सके तो 6 रखेंगे तो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 4 गेट चल रहे हैं तो 6 × 4 24 सेकेंड हर बैच में आपका टाइम यहाँ पे जाएगा। तो इसलिए यहाँ का टाइम आपको टोटल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो टाइमिंग है आप जो सुटेबल हो, जो कम से कम हो वो रखिए। और यदि आप 0 रखेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम है, सही वेट नहीं उठेगा। मान लीजिए ऊपर से 1 नंबर गेट ओपन है और मटेरियल गिर रहा है, और जैसे ही क्लोज हुआ रीडिंग तो फ्लेक्सुएशन में और 2 नंबर खुल गया, तो क्या होगा कि 1 नंबर का वेट एक्चुअल नहीं आएगा, तो ऐसे में वेट अनबैलेंस जाएगा। तो इस प्रकार से 2 सेकंड रखते हैं, 3 सेकंड भी रख सकते हैं। और ये 4 और 5 एग्रीगेट, 5 और 6 एग्रीगेट में 0 है, इसलिए 0 है कि यहाँ पे 5 और 6 का गेट नहीं है। तो यहाँ पे टाइमिंग डालेंगे तो टाइमिंग एक्सेप्ट भी कर लेगा और यूज भी होगा, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ टाइम का लॉस होगा, उससे आपका प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, जो प्रोडक्शन आवर्स में आएगा उसमें कमी आ जाएगी। और सीमेंट का है तो मान लीजिए सीमेंट के हमारे यहाँ ये इस प्लांट पे 3 सैलो लगे हैं तो 3 में स्टेप टाइम डला है, और 4 और 5 नहीं है तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि मान लीजिए कि सीमेंट में डिले हो रहा है तो ये 4 और 5 पे टाइम लैप्स क्यों करें, तो उसको 0 कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ही सेलो है तो आप 2 और 3 को भी 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वाटर के लिए ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वाटर पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और वाटर का कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपका वाटर 1 लीटर ज़्यादा चला गया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसमें भी आप स्टेप टाइम डाल दीजिए तो बेटर रहेगा। और एडमिक्चर का जरूर स्टेप टाइम पे भी थोड़ा रखिएगा, 3 से 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, जो भी जितने पे आपका सही चले प्लांट उतना सेट कर लीजिएगा। और वैसे जनरली 2 से 3 सेकेंड हम लोग सेट करके चलाते हैं एडमिक्चर का भी, तो अभी हमारे यहाँ 2 सेकेंड है। और सिलिका नहीं चलता है इसलिए सिलिका पे 0 है। और इसको सब कुछ सेट करने के बाद राइट टू PLC करेंगे तब ये डेटा सेव होगा, और सेव तब होगा जब आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि ये डेटा तब सेव होगा जब पैनल ऑन होगा। पैनल ऑफ रहेगा तो कोई नहीं कि डेटा सेव होगा, तब ये आपका जो सेव किए हैं ये सिर्फ सिस्टम में ही रह जाएगा। तो आप लोगों को ये मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।